हरियाणा एच 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। पिछले करीब 16-17 दिन से हड़ताल चली हुई है खरखोदा के जो SDCH हॉस्पिटल है इसमें, और इसमें करीब करीब कर्मचारी हैं 200 से 250, और जिसमें 70-80 कर्मचारी हैं HKRN के, इनकी हड़ताल चली हुई है। इलाज बंद है और कई बार तो इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी गई, क्योंकि वहां पर दवाएं और इंजेक्शन वगैरह, टेटनस के इंजेक्शन भी नहीं पहुंचे, जिसके कारण एक महिला जिसको कुत्ते ने काट लिया था और उसके पैर से खून निकल रहा था, वो बगैर टेटनस का इंजेक्शन लगाए ही उसे भी वापस लौटना पड़ा। इस तरह से लगातार मरीज परेशान हो रहे थे। ये एसेंशियल सर्विस है, इसको इस तरह से नहीं रोका जा सकता, मामूली बातों को लेकर नहीं रोका जा सकता। एक हड़ताल चली हुई है, हड़ताल खुद SMO जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ के हॉस्पिटल के, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि इस तरह नहीं होना चाहिए था। ऐसा ही मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनसे चार्ज अब ले लिया गया है, और जो डिप्टी CMO है डॉक्टर स्वराज जी, उनको चार्ज सौंप दिया गया है ताकि यहाँ सेवाएं सुचारू रूप से चल सके। जो CMO साहब हैं सोनीपत से, सोनीपत सिविल सर्जन, उन्होंने इस हड़ताल को अनुचित बताया है, और अनुचित बताने के पीछे कारण ये है कि जिस तरह एकदम से कोई डिमांड लेके धरने पे बैठे हैं, इस तरह कभी नहीं होता। इसके लिए एक प्रोसेस है, जो डॉक्टर जो रूल कहते हैं, रूल के हिसाब से कंप्लेंट करनी चाहिए थी, उसके बाद अगर कोई ना मानते तो उसके बाद अल्टीमेटम होता था। इस तरह से काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तब जाके कोई इस तरह से परेशान करते हैं। पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहला एक्शन लेते हुए उनसे चार्ज छीन लिया गया है, और जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, इससे ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसी हड़ताल के मामले में इन्हें चार्ज शीट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक हेड होने के नाते इनकी जिम्मेवारी ये बनती थी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके, उनको वापस ना लौटना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इस सीनियर जो अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, उनका ये कहना है कि ये जो SMO साहब हैं सत्यपाल जी, इन्होंने ये गलती की है, और इसीलिए इनसे ये चार्ज भी फिलहाल ले लिया गया है। और अब जैसे कल की छुट्टी है, तो नेक्स्ट डे वर्किंग डे जो भी आएगा, वीरवार से डिप्टी CMO हैं जो, उनको चार्ज दे दिया गया है, डॉक्टर स्वराज वो चार्ज संभालेंगी, और अब उनकी जिम्मेवारी है यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी से जल्दी बहाल की जाएं। अब देखना ये भी है कि अगर अभी भी हड़ताल चलती रहती है, तो अब इसे जो एक्शन हुआ है SMO पे, इसे ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो हड़ताल है इसको अनुचित माना है, और अनुचित माना है तो औरों पे भी कार्रवाई हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये तो स्वास्थ्य विभाग ही बताएगा। लेकिन कल यानी कि सोमवार को SDM मैडम ने दौरा किया था, और उससे पहले एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें स्पष्ट कहा था कि SMO खुद और जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें, और वो एक रिपोर्ट बना के दें किन किन ने ज्वाइनिंग की है। लेकिन SMO ने शायद इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसके चलते SDM को खुद दौरा करना पड़ा और डिटेल नोट करने पड़े, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लेते हुए ये डिटेल्स आगे भेज दी थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में कितना एक्शन और लिया जाएगा, और किन किन पे एक्शन हो सकता है। जो खरखोदावासी हैं, इन्होंने एक दिन पहले यानी मंडे को ही ये चेतावनी दी थी प्रशासन को कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर सेवाएं बहाल नहीं की गई तो ताला लगा देंगे अस्पताल पर, और डॉक्टरों को बाहर कर देंगे, बिल्कुल हाजिरी भी नहीं लगाने देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में आ गया है। पहले तो कूड़ा उठान का कार्य रात 11 बजे तक जारी रहा, और अब स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में खुद CMO जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ के, उनका चार्ज छीन लिया गया है, और जो डिप्टी CMO हैं उनको सौंप दिया गया है। Thank you.
लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।